हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सर्दियों का स्पेशल बनेगा गाजर का हलवा। और ये गाजर का हलवा होने वाला बहुत ही टेस्टी, क्योंकि ये बना रहे हैं हमारे भाई साहब। ये मेरा भाई है जो गाजर का हलवा बना रहा है। और ये गाजर थोड़ी ज़्यादा है, 3-3.5 किलो के करीब गाजर है ये। तो अकेले तो होगा नहीं, तो ये मेरे मम्मी भी हैं साथ में, लग के कराएंगे। और और हम तो सिर्फ देखेंगे कि ये लोग कैसे बना रहे हैं। क्यों दीक्षो? अभी अभी अपनी शिफ्ट खत्म की है और गाजर का हलवा बनाने आ गए हैं। ये नतीजा है वर्क फ्रॉम होम का। इस गाजर के हलवे में मेरा सिर्फ इतना योगदान रहेगा कि मैं सिर्फ इसको खाने वाली हूँ और टेस्ट करने वाली हूँ ये गाजर का हलवा कैसा। भाई ने ज्वाइन कर लिया है, मेरे बड़े भाई ने, और साथ में मम्मी आ रही हैं। और ये सब लोग गाजर को कद्दूकस करने वाले हैं। ना और दीक्षा सिर्फ देख रहे हैं कि काम चल रहा है बढ़िया। भाई ये छोटू वाला सारी गाजर लगभग कद्दूकस हो चुकी है। और उधर मेरा भाई जॉनी, जिसे गैस पे ये गाजर का हलवा पसंद नहीं आता है, ये वो चूल्हा जला के कढ़ाई को गर्म कर रहा है। चूल्हे पे आज तो ऑफिस का काम भी चल रहा है और गाजर का हलवा भी बन रहा है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसमें डाल लेते हैं। हाँ हाँ दीक्षा, बोलो बोलो। घी देसी घी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा डाला है जीरा। आमतौर पर लोग नहीं डालते हैं, बस हमने थोड़ा सा डाल दिया इसमें जीरा। और उसके बाद ये गाजर हम इसमें डाल देते हैं। अब गाजर इसमें डाल दी है भाई ने, और गाजर थोड़ी ज़्यादा है इसलिए गाजर को पहले मिक्स कर लिया है। जो नीचे घी था वो ऊपर ला के पहले इसको चला लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद जो बची हुई गाजर है वो भी भाई ने इसमें डाल दिए है, उसको ढक दिया है। थोड़ी देर पकने के बाद ढक्कन उठा के एक बार फिर से इसको चला लेते हैं, ताकि नीचे से ये पकड़ ना ले और अच्छे से पक जाए, हर तरफ से बराबर से ये पक जाए। और ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है गाजर के हलवे पे, कितना प्यारा सा। अभी ये और पकेगा, अभी तो ये शुरुआत है। और थोड़ी देर पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे चीनी, और चीनी डालने के बाद इसको फोकस मिलेगा। इसमें 3 किलो करीब गाजर है, तो उसके हिसाब से चीनी डालिए। उतना और डाल दूं? तो मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप कितना मीठा खाते हैं, ज्यादा मीठा खाने वाले ज्यादा चीनी डाल सकते हैं, कम मीठा खाने वाले कम चीनी डालें। गाजर तो वैसे भी मीठी होती ही है, तो कम ही चीनी खाएं तो बेहतर है। कलर और अच्छा आ गया चीनी डालने के बाद। ये देखिए गाजर, चीनी डालने के बाद गाजर का कलर और मस्त वाला आ गया। चलो इधर और चला के इसको पका लेते हैं। चीनी डालने के बाद गाजर ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है, तो इसको गाजर तो हलवा हमारा हो चुका है, लेकिन जो ये पानी छोड़ा है चीनी ने, इसको हम और थोड़ा सुखा लेते हैं, मतलब थोड़ा और पकने के लिए छोड़ देते हैं। आग जलेगी आँच पे और ये सूख जाएगा।
रही हो बहनों। देखिए कढ़ाई भी पूरी काली हो चुकी है। काला काला हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, गाजर का हलवा हमारा लगभग लगभग क्या पूरा ही बनके तैयार है। आप इसमें अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो जो आप चाहें। इलायची पाउडर भी इसमें थोड़ा सा ऐड कीजिए, वो भी अच्छा लगेगा। और ड्राई फ्रूट्स तो आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी और जो भी चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने कर दिया थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मिक्स कर दिया है। और थोड़े से कटे हुए मैंने रख लिए हैं इसे गार्निश करने के लिए। लग रहा है ना लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई बन गई है। चलिए देखिए गाजर का हलवा बन के हमारा ये तैयार हो चुका है। गाजर का हलवा बन के हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे खोया। खोया जो कि घर में बनाया हुआ है, प्योर खोया है घर की भैंस का। ये जो हम गांव से ही खोया आया है हमारे, तो हम इसको गाजर के हलवे में ऐड कर देंगे। ये देखिए घर का प्योर भैंस का ये खोया है, तो हम इसमें गाजर के हलवे में इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद आपकी मर्जी, आप इसको गर्म गर्म खाइए या ठंडा खाइए। देखिए कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, क्या मस्त लग रहा है ये गाजर का हलवा। चलिए इसको हम बाउल में सर्व कर लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना है। थोड़ा देर इस पे थोड़े से डाल लेंगे हम अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने तो इसको वैसे ही टेस्ट कर लिया, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है गाजर का हलवा। कैसा लगता है आपको गाजर का हलवा जरूर बताइएगा। गाजर का हलवा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर